भारत के पावर प्लांट्स उनकी डिटेल दी हुई है। तीन प्रकार के मुख्य पावर प्लांट होते हैं। एक होते हैं थर्मल, जिनमें कि कोयले से बिजली बनाई जाती है। दूसरे होते हैं हाइड्रो, जिनमें कि पानी से बांध के द्वारा बिजली बनाई जाती है। और तीसरी होती है न्यूक्लियर, जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। तो ये भारत में अभी सिर्फ 7 की परमाणु रिएक्टर हैं जहाँ से न्यूक्लियर बिजली बनाई जाती है। ये ताप विद्युत यानी कि थर्मल पावर स्टेशन है। थर्मल यानी कि कोयले को जलाकर बिजली जैसे बनाई जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं तो कोयले को बर्न किया जाता है फर्नेस में। ऊपर स्टीम ऑपरेटर बॉयलर है जहाँ पर कि पानी गर्म होता है। गर्म होने के बाद पानी स्टीम जाती है वो टरबाइन में, और टरबाइन को चलाती है, और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर ग्रिड की तरफ चली जाती है। और जो गर्म भाप आती है उसको ठंडा, वो ठंडी हो जाती है कूलेंट की मदद से, और वो वापस पानी उसी बॉयलर में जाता है। हम देखते हैं कि कैसे कोयले से बिजली बनती है। जैसे ही हम थोड़े आगे जाते हैं तो तेल इंजन से ऊर्जा उत्पादन, इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। हम सब लोग गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि इंटरनल कंबसन इंजन रहता है, जो 2-स्ट्रोक इंजन या 4-स्ट्रोक इंजन, पहले 2-स्ट्रोक इंजन चला करते थे। तो ये 2-स्ट्रोक इंजन का मॉडल है, जैसे कि इनर वाल्व, आउटर वाल्व और स्पार्क प्लग होता है। ये एक नई चीज़ है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियो थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल माने धरती की जो गर्मी है उस गर्मी से कैसे ऊर्जा बनाई जाती है। तो ये अक्सर उन क्षेत्रों में बनाई जाती है जहाँ पर भी धूप बहुत तीव्र होती है और साल भर धूप पड़ती है, जैसे कि रेगिस्तानी क्षेत्र या कि विस्पति के प्रदेश, बर्फीले और पहाड़ी क्षेत्रों में ये संभव नहीं है। इसके लिए बहुत तीव्र धूप की आवश्यकता होती है। तो जब धरती जमीन गर्म होती है तो उसकी गर्मी को हम लोग ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि बिजली बनती कैसे है, अब बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हम हाई टेंशन लाइन देख रहे हैं, ये पावर ग्रिड से आई है। पावर ग्रिड से आने के बाद सबसे पहले हाई टेंशन लाइन एक डीबी तक आती है, जिसे कि हम, ये ट्रांसफार्मर होता है, इसे हम डीबी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है और फिर डोमेस्टिक यूज के लिए जाता है। तो ये हम देख रहे हैं MCV लगी है 400 MVA की, और ये डोमेस्टिक यूज में आते हैं। ये अब हम घरेलू मीटर और MCV देख रहे हैं। तो ऐसे ही ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये पावर ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी के बारे में है। इसमें क्या होता है कि टर्बाइन को बहुत ज़्यादा हाइट पर इंस्टॉल किया जाता है, जिससे कि हवा टकराए, और ये टरबाइन के जो फैन हैं वो चलते हैं। इनके मूवमेंट से जो पीछे जनरेटर लगा रहता है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ये है सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा। ये आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा डिमांड इसी की है। ऐसे ही हम हॉट केक कह सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, आउटवर्ड बॉक्स सोलर पैनल कैसे काम करते हैं। सोलर पैनल मुख्यतः दो लेयर में होते हैं, एक पी टाइप सेलोन और एक एन टाइप सेलोन। दोनों के बीच में गैप होता है। जब सूर्य की किरणें ऊपरी पैनल पर पड़ती है तो जो पी टाइप सेलोन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और एन टाइप सेलोन की तरफ जाते हैं और बीच के गैप को भर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के किसी मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। यहाँ पर आइंस्टीन साहब ने एक फॉर्मूला दिया था E बराबर H × V। इनका एक फार्मूला और सुपरहिट है, E बराबर MC², जिसका कि इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जाता है। जैसे ही हम थोड़े आगे आते हैं तो हम देखते हैं एक सोलर कुकर है। ये हम सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, एक 10 का बॉक्स होता है, उसके अंदर एक बॉक्स और होता है और उस पर एक पारदर्शी कांच लगा हुआ होता है और इसके ढक्कन पर एक दर्पण लगा हुआ होता है। तो जो भी हम भोजन जैसे दाल या चावल बनाना है उसको हम इस कांच के नीचे रख के बंद कर देते हैं और जो दर्पण है उसको सूर्य की दिशा में कर देते हैं। तो सूर्य की जो किरणें आती हैं वो दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर उस कांच में जाती हैं और अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे कि भोजन तैयार हो जाता है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं आगे। ये सोलर फैन है जो कि सूर्य की ऊर्जा, ये सोलर पैनल में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो इसे सोलर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा ही सेम यहाँ है, ये लाइट भी जल रही है और बैटरी को चार्ज भी कर रही है, जो कि इन्वर्टर की तरह काम करेगी। ये इन्वर्टर है, सोलर से टीवी भी चल जाएगी। प्रोसीजर सेम ही है, ऐसा ही यहाँ है। जैसे ही हम ये लाइट जलाते हैं
लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी, लाइट स्प्लिट पर पड़ती है और ये फैन घूमने लगता है। एक और चीज़ है जो कुछ लोगों के मन में ये विचार अक्सर रहता है कि जो सैटेलाइट होते हैं इनकी बैटरी चार्ज कहाँ से होती रहती है, ये सालों साल कैसे काम करते हैं, बैटरी डिस्चार्ज क्यों नहीं होती। तो उसका कारण ये है कि इसके जो दो विंग्स होते हैं उनमें सोलर पैनल लगाए जाते हैं जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और बैटरी को कंटिन्यू चार्ज करते रहते हैं, इसलिए ये बैटरियाँ सालों साल चलती हैं। ये एक सोलर फर्नेस है, फर्नेस बनी जहाँ पर कि जो कि बहुत बड़े स्टील प्लांट्स वगैरह में काम आता है, जहाँ पर कि मेटल या धातु को पिघलाया जाता है। तो इस पर डिजाइन ऐसा होता है कि जब सनरेज डायरेक्ट इस पर पड़ती है तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो इतना ऑप्टिमाइज हो जाता है तो इससे हम धातु को भी पिघला सकते हैं। इसमें 1000 डिग्री तक का तापमान ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। ये कुछ बायोफ्यूल के उदाहरण हैं जिसमें कि जीवित संरचना से लिया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बायोडीजल जो कि जेट्रोफा नामक प्लांट से बनाया जाता है और गोबर गैस प्लांट डेली जो कचरा निकलता है उससे अवशिष्ट भी बिजली बनाई जा सकती है। ये जो हम सामने मॉडल देख रहे हैं ये अक्सर जहाज़ों पर होता है, पानी के जहाज़ों पर, वहाँ भी बिजली की ज़रूरत होती है तो ये समुद्री पानी से बिजली बनाते हैं क्योंकि वो दुनिया के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से तो दूर ही रहते हैं महीनों और दिनों। तो इसमें होता क्या है कि नीचे से समुद्र का पानी खींचा जाता है और उसके प्रेशर से टरबाइन को घुमाया जाता है, वापस वही पानी समुद्र में छोड़ दिया जाता है। तो टरबाइन जब घूमती है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ऊर्जा का एक और नॉन कन्वेंशनल सोर्स या कि गैर परंपरागत सोर्स वायु के बाद है एटॉमिक एनर्जी, जैसे कि हम परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं। परमाणु ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार से बनाई जाती है, एक होती है फिजन रिएक्शन जो कि परमाणु बम में प्रयोग किया जाता है, तो दूसरा होता है फ्यूजन यानी कि संलयन और फिजन माने विखंडन। तो जो संलयन वाली है वो हाइड्रोजन बम में प्रयोग की जाती है, लेकिन वह अभी इसलिए प्रयोग में नहीं आती क्योंकि उसमें टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर ऑप्टिमाइज हो जाता है, जिससे कि प्रयोगशाला में या किसी छोटी जगह का कंट्रोल करना बहुत ही कठिन है। सूर्य जो है वो फ्यूजन के सिद्धांत पर ही काम करता है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर एक हीलियम का अणु बनाते हैं तो इसे हम संलयन या फ्यूजन कहते हैं। और दूसरा होता है फिजन यानी कि विखंडन जो कि परमाणु बम, अणु बम या न्यूक्लियर बॉम्ब में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ फ्यूजन एनर्जी के बारे में बताया गया है कि कैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु जब आपस में मिलते हैं और ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं और कैसे हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। तो ये उसका रिएक्टर है, लेकिन अभी ये रोजमर्रा में इसलिए प्रयोग में नहीं आया क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि खर्चीली पद्धति है और दूसरी छोटी जगह खासकर प्रयोगशाला या कि छोटे क्षेत्र में इसकी जो ऊर्जा है उसको रोक पाना बहुत ही कठिन है। तो जो फ्यूजन का है ज़्यादातर जो प्रयोग में आते हैं वो फिजन वाले आते हैं, विखंडन वाले जो कि परमाणु रिएक्टर से बिजली बनाते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत भी फिजन रिएक्शन पर ही काम करता है। अब हम आते हैं फिजन रिएक्शन की तरफ। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आते हैं। इनमें यूरेनियम नामक धातु का प्रयोग किया जाता है जिसका कि आइसोटोप होता है U2395। तो इसकी जो छड़ें होती हैं उसको जब हम रिएक्टर में जाते हैं तो विखंडन की प्रक्रिया यानी कि फिजन रिएक्शन शुरू होता है तो हाई एनर्जी ऑप्टिमाइज होती है, बहुत हाई टेम्परेचर तक चली जाती है और वो एनर्जी जो होती है उससे पानी को गर्म करके वो टर्बाइन को घुमाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं वो कैसे काम करता है। ये एक परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर का रेप्लिका है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो यूरेनियम की छड़ें हैं वो अंदर डाली जाती हैं और उनमें जब रिएक्शन होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ऊपर ये लिफ्ट लगी हुई है कि जब ये रिएक्शन में रॉड अपना काम पूरा कर लेंगी और इनमें न्यूक्लियर प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो उससे लिफ्ट से या क्रेन से उनको निकाल लिया जाएगा और उसकी जगह नई छड़ों को डाल दिया जाएगा। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा संचय हो जाती है, इसलिए इसके चारों तरफ बहुत मोटी 10 से 20 फीट या 4 से 5 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है मजबूती के लिए, जिससे कि विकिरण बाहर ना आए और अगर कभी न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट हो जाता है तो कम से कम क्षति हो। चेर्नोबिल जो कि यूक्रेन में है तत्कालीन सोवियत संघ में,
1984 में एक न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया था, तो ये विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना मानी जाती है। चेर्नोबिल लगभग 40 साल बाद सील किया हुआ है, वो कुछ 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में मानव गतिविधि पर पूर्णतः पाबंदी है। तो हम देखते हैं कि ये न्यूक्लियर एनर्जी किस सिद्धांत पर काम करती है। हम देखते हैं यूरेनियम का आइसोटोप 235 पर जब एक न्यूट्रॉन की बारिश की जाती है तो वो तीन भागों में विभक्त हो जाता है और उसके दो आइसोटोप्स बनते हैं, और फिर ये तीन जो भाग रहते हैं वो आगे जाके तीन तीन और भागों को भागों से टकराते हैं और फिर तीन तीन, तो ये एक प्रकार की चेन रिएक्शन है। इसी से ऊर्जा प्रोड्यूस होती है और ऊर्जा से पानी को गर्म किया जाता है जिससे कि भाप बन के वो टरबाइन को चलाया जाता है। परमाणु बम में इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ये हम देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन को यूरेनियम न्यूक्लियस से टकराया, उसके बाद ये तीन भागों में टूट जाता है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर का डिजाइन है जिसमें कि ये यूरेनियम की छड़ें डाली गई हैं और इनमें अंदर विखंडन की प्रक्रिया होती है और ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को ऑप्टिमाइज कर लेता है। वो बाहर से देखने पर इस तरीके की बनावट दिखाई देती है क्योंकि ऊपर लगभग 10 से 20 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है जिससे कि ऊर्जा विकिरण बाहर ना निकले, और अगर कभी ऑप्टिमम हाई अगर कभी एक्सेसिव हीट के कारण न्यूक्लियर प्लांट में ब्लास्ट भी हो जाए तो कम से कम ये कुछ तो उसको रोक लें। और अंत में हम आते हैं जल विद्युत केंद्र की तरफ जो कि सबसे कॉमन है विश्व में और खासकर भारत में। यहाँ कुछ प्रकार के टरबाइन हैं जैसे कि ये टरबाइन है, इसको पेल्टन टरबाइन कहते हैं। इस पर जब पानी गिराया जाता है तो ये घूमता है और इसके साथ ये शाफ्ट भी घूमती है जो कि किसी जनरेटर से जुड़ी हुई होती है। जो गांवों में हम लोग पहले देखते थे जो पानी के रहट सिस्टम हुआ करते थे जिसको कि बैल खींचते थे और कुएं से पानी निकालते थे रहट में, ये कुछ कुछ उस सिद्धांत पर ही काम करता है। ये दूसरे प्रकार की टरबाइन है जैसे फ्रांसिस टरबाइन कहते हैं, इसमें पानी डाला जाता है और ये घूमती है और करंट शाफ्ट में घूमती है। ये तीसरी प्रकार की टरबाइन है जो आजकल सबसे ज़्यादा चलन में है, इसे कैपलाइन टरबाइन कहते हैं और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है। जब पानी की धार पंखों पर गिरती है तो ये अपने साथ इसको रोटेट कराती है। ये जल विद्युत का पूरा मॉडल है, जैसे कि पानी को ऊंचाई से पानी के जल के टरबाइन में गिराते हैं, ये पीछे एक बांध बना हुआ है तो ये पीछे टरबाइन को घुमाने का काम करते हैं। यहाँ पर एक मॉडल भी है, ये एक जल विद्युत केंद्र का रेप्लिका है जो कि ये टरबाइन है। जब हम देखते हैं कि पानी को हम जब लेके आएंगे तो पानी जब इसके फैन से टकराएगी जिसको जो कि कैपलान टाइप की टरबाइन होती है, उसके बाद ये घूमेगा और ये जनरेटर है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, वो पानी नीचे से निकल जाएगा। तो ये था विज्ञान भवन की सीढ़ी जिसमें कि हमने शुरुआत की थी फिजिक्स के कुछ बुनियादी सिद्धांतों से, और समापन किया है एनर्जी भिन्नता यानी कि एनर्जी गैदरिंग में कि हम ऊर्जा को कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे ये छोटे छोटे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और अगर ये मेरे प्रयास आपको पसंद नहीं आ रहे तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।